कि मौलाना गुलाम रब्बानी ने मुफ्ती अजमतुल्लाह साहब को कोई बात कही थी, कोई सवाल किया था, मुफ्ती अजमतुल्लाह साहब जवाब नहीं दे पाए। मैं आज कहना चाहता हूँ, मौलाना गुलाम रब्बानी के पास अगर हिम्मत है, अगर ताकत है, अगर वो लोग मुनाजरा करने के लिए तैयार है, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, जिस मैदान में आप बुलाना चाहो बुला लो, बंदा हाजिर हो जाएगा। और मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, मैं तो एक अदना आलिम, मैं एक अदना उलमा देवबन का एक अदना खादिम हूँ, मैं चैलेंज कबूल करता हूँ और तुम्हें कयामत की सुबह तक मानत देता हूँ। आओ जिस मैदान में तुम आना चाहते हो आओ, तुम्हारी एक एक बात का जवाब इंशाअल्लाह अजीज ये नाचीज देगा। और अगर मैदान छोड़कर भागा, आप सब गवाह रहना कि मैं इंशाअल्लाह अपनी गर्दन उसके सामने पेश कर दूंगा और कहूंगा, मौलाना गुलाम रब्बानी मैंने आपकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया है, लिहाजा सर आप मेरे सामने, मेरी गर्दन आपके सामने, और आप अपनी तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, एक ढकोसला है, एक बात को प्रोपेगेंडा है और लोगों को अपने तरफ माइल करने का एक रास्ता है, एक चालाकी है, इस चालाकी को आप समझिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उलामा देवबंद ने बारहा मुनाजरा किया है, मुनाजरा के अंदर वो हारे हैं और हारने के बाद क्या किया, गाली गलौज पे आ गए और उलामा देवबंद को बुरा भला कहा। याद कीजिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, इनका एक भी मुनाजरा, इनकी एक भी तकरीर गाली से कभी खाली नहीं होती है। जब तक ये उलामा देवबंद को गाली ना दे दे, जब तक ये मौलाना अशरफ अली थानवी को काफिर ना कह दे, जब तक ये मौलाना कासिम नानोतवी को काफिर दे दे ना कह दे, तब तक इनकी बात पूरी नहीं होती है, इनकी तकरीर पूरी नहीं होती है। और मैंने सुना है कि आइंदा शनिचर को मौलाना गुलाम रब्बानी साहब आसपास कहीं आ रहे हैं और मैं खुले आम पर और खुले तौर पर चैलेंज करता हूं, अगर उनके पास जुरत है, हिम्मत है, तो मुफ्ती अजमतुल्लाह को बुलाओ और इंशाअल्लाह अजीज जिस मौजू पे आप मुनाजरा करना चाहते हो इंशाअल्लाह बंदा तैयार है। अगर मुनाजरा हाजिर नाजिर पर हो बंदा तैयार है, मुनाजरा इल्मे गैब पर हो बंदा तैयार है, मुनाजरा मुख्तार कुल पर हो बंदा तैयार है, मुनाजरा नूर और बशर पर हो बंदा तैयार है। मेरे आका ने सलात व सलाम के शहजादों, मैं आपको खोल कर कहना चाहता हूँ, उलामा देवबंद ने कभी भी मैदान से हार हटे नहीं है, उलामा देवबंद का काम है मैदान में जमकर रहना। मेरे आका ने सलात व सलाम के शहजादों, मैं फिर बात इधर उधर घुमाना नहीं चाहता, बात को तूल देना नहीं चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि पुलवामा में हमला हुआ है, यकीनन जिसने किया है वो चाहे आदिल अहमद डार हो या उसका नाम और कोई हो, यकीनन वो जुर्म है, मुजरिम है, कसूरवार है। उन्होंने हिंदुस्तान के 49 नौजवानों को शहीद किया है। दुख की बात है, हमारे दिल के अंदर इसकी अफसोस है और हम दिल की गहराई से हम इसको कंडेम कहते हैं और इसको कहते हैं कि जिसने किया है यकीनन वो आतंकवाद है। लेकिन उसके साथ दारुलूम देवबंद को जोड़ना, ये कहा कि इंसाफ कहाँ का इंसाफ है और इंसाफ की कौन सी अलामत है कि दारुलूम देवबंद को हर फितने के साथ जोड़ दिया जाए। याद रखे मेरे दोस्त बुजुर्गो, इन्होंने बारह कोशिश की है कि दारुलूम देवबंद का नाम निशान मिटा दिया जाए। अरे योगी आदित्यनाथ जिसने कहा था कि मैं दारुलूम देवबंद का नाम बदल दूंगा, आज तक वो बदल नहीं पाया है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की है कि देवबंद का नाम निशान मिटा दिया जाए, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर एक मजलिस में पहुंचते हैं, मजलिस किन की है, अफसोस की बात है, मैं आपको सुना रहा हूं, आपको तवज्जो से सुननी चाहिए। देवबंद की तारीख को आप गौर कीजिए कि एक प्रोग्राम हुआ था 2016 में, 2016 और 17 मार्च को प्रोग्राम हुआ दिल्ली की सरजमीन में, उस प्रोग्राम का नाम रखा गया था वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस, और जिसमें पाकिस्तान के एक बड़े उलमा आलिम जिनका नाम था मौलाना ताहिरुल कादिर साहब, वो भी तशरीफ फरमा थे, तशरीफ लाए थे वहां, और उस मजलिस में वंदे मातरम का नारा भी लगाया गया था, भारत माता की जय का नारा भी लगाया गया था। और लगाने वाले कौन थे, यही बरेली के थे और बरेली के उलमा मौजूद थे। और मैं कहना क्या चाहता हूँ, वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी भी तशरीफ लाए थे, आज भी उनकी ये तकरीर इंटरनेट में मौजूद है। अगर मेरी बात आपको यकीन ना आए, आप सोशल मीडिया पे जाए, यूट्यूब पे जाइए और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुन लीजिए। वहां बरेलियों की मजलिस में, बरेलियों के ऑर्गेनाइजर और जिस मजलिस को सजाने वाले बरेल भी है, मजलिस को चलाने वाले बरेल भी है, और बरेलियों ने प्राइम मिनिस्टर को दावत दी थी, उसी मजलिस में हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तारीख और हिंदुस्तान की तारीख मौलाना कासिम नानोतवी को नहीं भुला सकती है,
मौलाना हुसैन अहमद मदनी की कुर्बानी को नहीं भुला सकती है, ये कौन कह रहा है? प्राइम मिनिस्टर इसकी मजलिस में, बरेलियों की मजलिस में। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तो जो दुश्मन भी जिसको मार ले, कहते कहा जाता है अल फज्ल मा शहीदत भी आदा, के कमाल तो वही है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे दे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि उलामा देवबंद के सिलसिले में जितने मदारिस हैं उनको मिटा दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, ये तलबा को मार दिया जाए। याद रखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तलबा को अगर आपने हिफाजत नहीं की है, कहा जाता है कि ये नबी के मेहमान है, ना दोस्तों ना, ये आपके हमारे मेहमान है, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इंशाअल्लाह हम लोग आज इस मजलिस में पक्का वादा करें, पक्का अहद करें कि जब तक हमारे जिस्म के अंदर खून की एक बूंद बाकी रहेगी, जिस्म के अंदर खून का एक कतरा बाकी रहेगा, इन मदारिस की हिफाजत करेंगे, इन तलबा की हिफाजत करेंगे, इन उलमा की हिफाजत करेंगे, और जब तक जिस्म के अंदर खून का एक कतरा बाकी रहेगा इन मदारिस के लिए इंशाअल्लाह हम आखिर दम तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, पेट में मरोड़ पड़ता है। आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल के जमाने में सहाबा एक एक हदीस के लिए सैकड़ों मीलों का सफर किया करते थे। आज एक मदरसे में अंदर एक एक बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह तक कुरान पढ़ाया जाता है, एक एक बच्चे को हजारों हजारों हदीसें याद कराई जाती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो जमाना भी आप याद रखें जब एक हदीस के लिए सहाबा हजारों मीलों का सफर किया करते थे, अल्लाह के रसूल ने उनको ये मकाम दिया है। आज उन्हीं तलबा को एक मदरसे के अंदर एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन नास तक कुरान याद कराया जाता है। और वाकया क्या है कि एक सहाबी है जिनका नाम था जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि एक सहाबी है जिनका नाम है अब्दुल रहमान इब्न उनैस, और वह सहाबी मुल्क शाम में रहते हैं, और उनके पास एक हदीस है, उनके पास एक हदीस है जो हदीस हजरत अब्दुल रहमान इब्न उनैस ने डायरेक्ट बराहे रास्त मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान से सुनी थी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को शौक हुआ कि मैं भी उनके पास से यह हदीस सुनूंगा जिसने अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट हदीस सुनी है। इसी मकसद के लिए उन्होंने एक ऊंटनी खरीदी, उस ऊंटनी पर सामान रखा, और सामान रखने के बाद उस ऊंटनी पर सवार होकर मदीनतुल मुनव्वरा से मुल्क शाम का सफर शुरू किया है। और लगातार महीने गुजर गए, एक महीने का मुसलसल सफर करने के बाद मुल्क शाम में पहुंचते हैं, लोगों से पूछते हैं कि अब्दुल रहमान इब्न उनैस का घर कौन सा है, लोगों ने बता दिया कि फुला घर अब्दुल रहमान इब्न उनैस का है। वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर आवाज लगाते हैं कि अब्दुल रहमान घर में हो, ऊपर से आवाज देते हैं कौन हो, कहा मैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हूँ, कहा तुम मदीना मुनव्वरा से आए हो, कहा मैं मदीना मुनव्वरा से आया हूँ। हजरत अब्दुल रहमान इब्न उनैस उस वक्त घर की दूसरी मंजिल में बैठे हुए थे, खिड़की खोली और दरवाजा खोलने के बाद कहा कि अब्दुल रहमान जाबिर क्या बात है, वहां से यहाँ तशरीफ क्यों लाए हो, कहा सुना है कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस आपने अपनी आपने नबी की पाक जुबान से सुनी है, वो हदीस मैं आपकी जुबान से सुनने के लिए आया हूँ, आपको हदीस बता दीजिए मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। हजरत अब्दुल रहमान इब्न उनैस कहते हैं कि हदीस सुनने के लिए आप ऊपर आएंगे या मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन वो कहने लगे, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहने लगे ना ना ना, आप नीचे मत आइए और मैं भी ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये आने जाने में हो सकता है कि दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए, अगर दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी तो हदीस सुनने का अमल बाकी रह जाएगा, तुम वहीं से मुझे हदीस सुना दो। हजरत अब्दुल रहमान इब्न उनैस उसी दरवाजे खिड़की के सामने से वो हदीस सुना देते हैं। हदीस सुनने के बाद हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन अपने अपनी ऊंटनी का रुख मोड़ते हैं और मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ सफर करने लगते हैं। हजरत अब्दुल रहमान नीचे उतर आते हैं और चीख कर पुकारते हैं, जाबिर रुक जाओ, जाबिर रुक जाओ, तुम सफर से आए हो, थक गए हो, चूर हो गए हो, कुछ देर के लिए आराम कर लो, कुछ नाश्ता पानी कर लो। लेकिन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कि अब्दुल रहमान आज मुझे माफ करो, आज मेरा मकसद सिर्फ एक हदीस को हासिल करना था, एक हदीस सुननी थी, मेरा मकसद पूरा हो गया, अगर मैं आपके घर में ठहरा रहा, आपके घर में आराम किया तो मेरे नियत के अंदर फुतूर आ जाएगा, मेरा मकसद बिगड़ जाएगा, आज मुझे मत रोको। और खुदा की कसम तारीख मौजूद है, इतिहास मौजूद है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु यह हदीस सुनकर फिर मदीनतुल मुनव्वरा वापस आ गए। तो आपको मालूम हुआ कि एक हदीस को हासिल करने के लिए सहाबा सफर और करोड़ों मीलों का और
करोड़ मतलब महीना महीना का सफर किया करते थे एक हदीस को सुनने के लिए। आज की मदारिस के अंदर एक नहीं बल्कि हजारों हदीस याद कराई जाती है और 6666 आयतें एक एक बच्चे के सीने में रख दिया जाता है। मेरे मोहतरम मुजरे दोस्तों, आज कुछ लोग इन मदारिस के खिलाफ है, हजार मदारिस के खिलाफ रहकर क्या कर लेंगे, ये क्या किया है जो आज करेंगे, कौन के लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। मैं डंके की चोट कहना चाहता हूँ, आप उठाकर देख लीजिए बरेलियों का जो सरदार है जिनका नाम है मौलाना अहमद रजा खान साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब कब लिखी थी और किताब में कौन सा फतवा था? किताब उस दौर में लिखा गया है जिस दौर में हिंदुस्तान गुलामों की जंजीरों में चकरा हुआ था, चारों तरफ अंग्रेजों का कब्जा था, मुसलमान मुसलमान गैर मुसलमान के गुलाम बन चुके थे। उस वक्त मौलाना भी जद्दोजहद कर रहे थे, मौलाना भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को हटाओ। मौलाना शाह वली उल्लाह ने फतवा लगा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, जिस तरह मुसलमान पर नमाज फर्ज है, जिस तरह मुसलमान पर रोजा रखना फर्ज है, इसी तरह अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाना फर्ज है। उस दौर में मौलाना अहमद रजा खान साहब ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है एयामुल एलान बिअन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम। आज भी किताब मौजूद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लिखने वाले कौन है? बरेलियों का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बरेलियों का सरदार मौलाना अहमद रजा खान साहब। उसमें क्या फतवा लिखा गया कि हिंदुस्तान बिल्कुल आजाद है, हिंदुस्तान गुलाम नहीं हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत है, इस हिंदुस्तान के अंदर कुरान के अहकाम चलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर सुन्नत रसूल पर तमाम चीजें होती हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये फतवा कब दिया गया था? जब पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए लड़ रहा था, उस वक्त ये फतवा दिया गया था। इस फतवा का मकसद क्या था? कि अंग्रेजों की गुलामी करते रहो। क्यों? इसलिए कि अंग्रेजों ने उनकी जेब जो भर दी थी, उनको हदिया तोहफा दे दिया था, उनका मुंह बंद कर दिया था और कहा था कि लिखो फतवा, तुम फतवा लिखोगे, मुसलमान कुछ तुम्हारी बात मान लेंगे। ये तरीका था उनका। लेकिन याद रखे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उलमा देवबंद उस वक्त खामोश नहीं बैठे थे। उलमा देवबंद ने बालाकोट में हिस्सा लिया है, उलमा देवबंद ने और असीर माल्टा माल्टा की जेल के पीछे गए हैं, काला पानी की सजा ली है और अंडमान के जेलों को उलमा देवबंद ने भर दिया। और आज भी तारीख मौजूद है कि दिल्ली की खैबर से लेकर दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर कराची के खैबर तक एक भी पेड़ बाकी नहीं रहा था जिस पेड़ के अंदर किसी उलमा देवबंद की गर्दन न लटक रही होती थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये उलमा देवबंद की कुर्बानी है। कहां तक मैं आपको गिनाऊं? आज ये लोग कहते हैं इन मदारिस को बंद कर दो, देवबंद को बंद कर दो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन्होंने इस्लाम की कौन सी खिदमत की है? बुखारी की शरह उलमा देवबंद ने लिखी है, मुस्लिम की शरह उलमा देवबंद ने लिखी है, अबू दाऊद की शरह उलमा देवबंद ने लिखी है, इब्ने माजा की शरह उलमा देवबंद ने लिखी है और मुअत्ता मालिक की शरह उलमा देवबंद ने लिखी है। उसके बाद कुरान करीम की तफसीर 250 से ज्यादा तफसीर की किताबें उलमा देवबंद ने लिखी है। लेकिन उनके पास जाइए, पूछिए आपने कौन सी खिदमत की है, आपके पास कौन सी लाइब्रेरी है, वो ले जाएंगे। ले जाके क्या ले जाएंगे? हुसामुल हरामैन दिखाएंगे, फातिहा पढ़ने का तरीका क्या है इस बारे में किताब दिखाएंगे, नियाज का सही तरीका क्या है इस बारे में आपको किताब मिल जाएगी। लेकिन मुस्लिम की शरह नहीं मिलेगी, बुखारी की शरह नहीं मिलेगी, कुरान करीम की तफसीर नहीं मिलेगी। हाँ, कुरान करीम का तर्जमा मिलेगा, लेकिन उसका नाम कंसुल ईमान रखा गया है। उस किताब को और कंसुल ईमान को पढ़ने वाला खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं, अगर उस पर यकीन कर ले तो फिर मुसलमान नहीं रह सकता। क्योंकि उन्होंने वहां उसकी तफसीर में मौलाना नईम अहमद रबाबादी ने लिखा है कि कृष्ण तो हर जगह मौजूद है। कुरान करीम की तफसीर हो रही है, कृष्ण, अरे कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? आपको किसी नबी का वाकया नहीं मिला, आपको किसी वली का वाकया नहीं मिला, कुरान की तफसीर कर रहे हो और कृष्ण का नाम आ रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये सारी बकवास उन्हीं की किताब के अंदर मौजूद है। इनके पेट में दर्द इसीलिए पड़ रहा है कि उलमा जवान और तबलीगी जमात जहां जहां पहुंच रही है वहां रोशनी फैल रही है, वहां लोग नमाज की तरफ आ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के शहजादों, इनसे हमें कोई बात नहीं है। हम तो आज बात करने के लिए आए थे कि पुलवामा के अंदर हमला हुआ और मुसलमानों के ऊपर किस तरह मुसीबतें ढाई जा रही है, लेकिन बात कहीं से कहीं निकल गई है और इनको जवाब देना भी चाहिए था। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि उलमा देवबंद डरपोक हैं। खुदा की कसम, डरपोक नहीं है। हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम इत्मीनान चाहते हैं, लड़ाई नहीं।
چاہتے ہیں ہم نے امرسی میں تقریر میں کہا تھا کہ بہت ہو گیا علماء دیوبند اور علماء بریلی آپس میں بہت لڑ لیے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اتنے مناظرے ہوئے ہیں لیکن ایک بھی دیوبندی بریلی نہیں ہوا اور ایک بھی بریلی دیوبندی نہیں ہوا تو میرے محترم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب ایک جھوٹ ہونا چاہیے لیکن ان کا کام کیا ہے ان کا کام ہے کہ علماء دیوبند کے پیچھے لگتے رہو ارے ہندوستان کے ماحول پر تمہیں شرم آنی چاہیے تھی ایک طرف تو مسلمانوں کو نب جہاد کے نام پر مارا جا رہا ہے گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ایک طرف آپ کو بابری مسجد کا ایشو بنا کر ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی پوکھی اجاڑ دی گئی لیکن ان تمام باتوں پر کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے اور اس میں لکھا گیا تھا میں 2015 سے لے کر دسمبر 2018 تک صرف گائے کے نام پر 44 مسلمانوں کا قتل ہوا ہے 44 مسلمانوں کا قتل ہوا ہے افسوس ہے ان کو ایک بات کی افسوس نہیں ہے صرف علماء دیوبند کو گالی دو ارے بھائی گالی دینا کوئی صحابہ کا کام ہے کیا گالی دینا نبی کی سنت ہے صحابہ کا طریقہ ہے یہ کافر 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 کی اور کفر کی فیکٹری قائم کیے ہو میرے دوست بزرگوں تو ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بالکل چھوٹی سی سمپل سی بات کہ انہوں نے ہمیں کافر کہا جھوٹ کہا انہوں نے ہمیں کافر کہا جھوٹ کہا ہے اور ہم بھی جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں ہم جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو میرے دوست بزرگوں بات ہوا اگر ہمیں کافر کہیں اس سے کیا فرق پڑ جائے گا میرے دوست بزرگوں بات یہی ہے کہ آج رسول اللہ کی تعلیم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی ان مدارس کو مضبوط کرنے کے ساتھ مدارس کے لیے بہت خطرے ہیں میرے دوستو اسی لیے مدارس کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں پہرے دار بن جائیں چوکیدار مت بنیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چوکیدار تو چور ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں آپ پہرے دار بن جائیں انشاءاللہ العزیز آپ کی پہرے داری کے ہوتے ہوئے کسی مائیں کے لال چوکیدار کی طاقت نہیں ہے کہ ان مدارس کی طرف نظر اٹھا کر سکے بہت ہم نے سن لی ہے کہ ہم تو چوکیدار ہیں چوکیدار ہیں ارے میرے دوست بزرگوں یہ چوکیدار جو جس کا کام ہی چوری کرنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں آپ نے کبھی اس طرح کا بکواس پرائم منسٹر نہیں دیکھا ہوگا اس طرح کا بکواس ہم نے بہت سارے پرائم منسٹر کو دیکھے ہیں ان کی تاریخ ان کا اتہاس پڑھا ہے لیکن اس طرح کا پھیکو اور اس طرح کا بکواس پرائم منسٹر یہ پہلی بار ہندوستان میں آیا ہے اسی لیے میرے دوست بزرگوں ہر جگہ فتنہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں دیکھو میں آپ کو سمپل سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ پلوامہ کے اندر حملہ ہوا لیکن دہرادون میں پڑھنے والے طلبا اور آپ کا اتراچل میں پڑھنے والے طلبا اتراکھنڈ میں پڑھنے والے طلبا جو کشمیر کے طلبا ہیں ان کا کیا قصور تھا ان کو کالجوں سے کیوں نکال دیا گیا ان کو یونیورسٹیوں سے کیوں نکال دیا گیا میرے آقا علیہ السلام کے شہزادوں کلکتہ میں ایک کشمیر کا ڈاکٹر ہے 22 سال سے خدمت کر رہا ہے لوگوں کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اس کے باوجود کچھ آر ایس ایس کے لوگوں نے دھمکی دی ہے کہ کلکتہ چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا وہ تو اللہ کرم کرے ہماری سی ایم نے اور چیف منسٹر نے کہا کہ آپ یہی رہیے کلکتہ سے آپ کو کون ہٹاتا ہے میں دیکھتی ہوں تو میرے آقا علیہ السلام کے شہزادوں اس طرح آپ کو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ لکھنؤ میں دو مسلمان پھل بیچ رہے تھے ایک کا نام محمد افضل اور دوسرے کا نام عبدالسلام ان کو کھلے طور پر ڈنڈے سے مارا گیا اور کہا گیا یہ کشمیر ہے کشمیر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے کشمیر جو ہوگا وہ دہشت گرد ہوگا وہ ٹیررسٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کا میگھالیہ کا وہ جو کیا نام ہے راجیہ پال اس کا نام تتھاگت رائے اتنے بڑے کمینے قسم کے آدمی ہیں وہ کہنے لگا کہ کشمیر کی ہر چیز کو بوائکاٹ کیا جائے ارے ایک ہندوستان کا راجیہ پال ہو کر یہ کہتا ہے کہ ان کو یہ بات شوبھا دیتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں بات کو آپ سمجھیں کہاں تک دور چلا جا رہا ہے اور یہ ساکشی مہاراج جن کے پاس خدا کی قسم عقل تک نہیں ہے جتنے بے وقوف قسم کے ہیں سب بی جے پی کے اندر آ گئے بھاجپا کے اندر آ گئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم لوگ کشمیر کو ہندوستان کا ابھن انگ سمجھتے ہیں تو جب تک کشمیر کو اور کشمیریوں کو اپنا نہ سمجھا جائے کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آج ہندوستان کے کچھ لوگ روتے ہیں کہ کشمیر کے نوجوان ہماری سینا پر پتھرا بازی کرتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو لکھنؤ سے نکال کر وہاں بھیج دیں گے کلکتہ سے نکال کر کشمیر بھیج دیں گے اتراکھنڈ سے اور اترانچل سے نکال کر کشمیر بھیج دیں گے اگر ان کے پاس کام نہیں ہوگا تو پتھر نہیں ماریں گے تو اور کیا کریں گے میرے محترم دوستوں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے آپ کو معلوم ہے ہندوستان کا ماحول میں آپ کو سنا رہا ہوں پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان کا ایک منتری جس کا نام تھا فیاض الحسن چوہان اس نے بیان میں
पाकिस्तान के हिंदुओं को एक गलत लफ्ज कह दिया था। क्या कह दिया था कि हिंदू तुम तो गाय के पेशाब पीने वाले हो, ये बात कह दी थी किसने? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मंत्री जिसका नाम था फैयाज हसन चौहान। इमरान खान ने फौरन उसको ओहदे से और पद से हटा दिया था। लेकिन आप देखिए हिंदुस्तान की हालत क्या है कि जो खुलेआम मुसलमानों को गाली देता है, खुलेआम मुसलमानों से नफरत की बात करता है, उसको बना दिया सीएम कहां का? यूपी का। और योगी आदित्यनाथ कौन है? ये तो मुसलमान को खुल्ला खुल्ला गाली देता था और मस्जिदों को तोड़ने की बात करता था। कहा जाता था कि एक धक्का और दो जामे मस्जिद तोड़ दो। किस माए की ताकत, किस माए के लाल के अंदर इतनी ताकत है कि मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहा है? मेरे आका अलैहिस्सलाम के शहजादों, बात ये नहीं उनके पास ताकत नहीं है, हम कमजोर बन गए। उनके पास ताकत नहीं है, हम कमजोर बन गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने देख लिया कि मुसलमान तो नाम के मुसलमान है लेकिन ये है वहाबी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अजानगाछी, ये लड्डू पीर और ये अहले हदीस, इन तमाम फिल्मों के अंदर ये बच चुके हैं। अब इनके पास मौका है कि मुसलमानों पर हमला कर दिया जाए। इसीलिए मैंने जो हतो बुजुर्गो जौहर कानपुर ने एक बात कही थी, एक शेर कहा था कि जुल्म तशद्दुद की पहचान मिटा कर रख देंगे, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख देंगे। और खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को जला कर रख देंगे कहीं इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो हमारी कमजोरी क्या है? हमारी कमजोरी यह है कि हम सुन्नत रसूल को छोड़ बैठे हैं और बिदात हमारे अंदर आ गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब लोग सुन्नत को छोड़कर मनमानी जिंदगी करेंगे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के लिए एक जालिम बादशाह का तसल्लुक करेगा। वो जालिम बादशाह मुसलमानों पर जुल्म करेगा, मुसलमानों पर सितम ढाएगा और मुसलमान उस वक्त अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारेगा, लेकिन आसमान से कोई मदद नहीं आएगी। क्योंकि इसलिए कि हमारे अमान खुद हमारे लिए उबाले जान बन गए हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है वमा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है यकीन कर लेना चाहिए कि तुम्हारी करतूत की वजह से तुम पर मुसीबतें आई। और लोगों सच बताओ, मुसलमान तो हम हैं लेकिन शराब हम पानी की तरह पीते हैं। हम तो मुसलमान हैं, सुबह से लेकर शाम तक चुगल और गुनाह करते हैं, चुगलखोरी करते हैं। हम नाम के मुसलमान हैं, नमाज हमसे छूट जाती है। हम नाम के मुसलमान हैं, दाढ़ी हम नहीं रखते हैं। हम नाम के मुसलमान हैं, टोपी हम नहीं पहनते हैं। हम नाम के मुसलमान हैं, माओ बहनों बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं। हम नाम के मुसलमान हैं, बड़ों की तासीम नहीं करते। नाम के मुसलमान हैं, छोटों पर शफकत नहीं करते। और मेरे दोस्तों, जमीन जायदाद गसब करते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं। ऐसी सूरत में हम पर अगर मुसीबत आए तो हमें मान लेना चाहिए कि यकीनन हमारी कमजोरी की वजह से हम पर ये मुसीबतें आई और हम कमजोर हुए जब जाकर जालिम हम पर तसल्लुत हुआ है और हमें आंखें दिखाता है। लेकिन याद कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, एक वो जमाना था जंग बदर का वाकया कि 313 सहाबा थे। खुदा की कसम, सहाबा के पास हथियार तक नहीं थे, तलवार तक नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की टहनी काट कर कहा, ऐ मेरे सहाबा ये लो, ये तुम्हारे पास रहेगी और इससे तुम जिहाद करना, जंग करना। और दूसरी तरफ काफिरों की तादाद तकरीबन 1000 मुसल्ला फौज थी। और मेरे दोस्त बुजुर्गो, उनके पास घोड़े थे, उनके पास ऊंट थे, उनके पास नए नए हथियार थे, उनके पास तरोताजा तलवार थी। उसके बावजूद 313 ने 1000 लश्कर की तादाद को बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दिया। 70 को तो कत्ल किया, 70 को गिरफ्तार किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के शहजादो, क्या बात थी उनके अंदर? ईमान की ताकत थी, ईमान की कुव्वत थी। आज वो हमारे अंदर नहीं है। आज जरूरत है कि हम अपने अंदर ईमान पैदा करें, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करें और बिदअत से अपने आप को बचाएं। क्योंकि बिदअत का मतलब नबी से बगावत है, नबी से एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करना है। अरे नबी ने कहा कि मैंने जो किया वही करना तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है। मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। एक सहाबी थे, वो कहीं जा रहे थे, जाते जाते उसके खादिम से कहा कि जरा रुको। वो रुक गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर का वाकया, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला उतरे और एक जगह जाकर बैठे जिस तरह आदमी पेशाब किया करता है, लेकिन उसने पेशाब नहीं किया, वापस आ गए। उनके खादिम ने पूछा कि हजरत जब आपको पेशाब करना ही नहीं था, पेशाब का तकाजा नहीं था, तो आप वहां जाकर क्यों बैठे, हमारा वक्त बर्बाद क्यों किया? कहा कि बात यह है कि जिस तरह आज मैं तुम्हारे आगे बैठा हूँ और तू मेरे पीछे बैठा है, एक जमाना था कि अल्लाह के रसूल इस तरह घोड़े पर आगे बैठे हुए थे और मैं उनके पीछे बैठा था। इसी जगह पर जहां मैंने अपना घोड़ा रोका है, अल्लाह के रसूल ने भी यही घोड़ा रोका था। और अल्लाह
से उतर कर उसी जगह पर जाकर पेशाब किया जहां मैं जाकर पेशाब करने के लिए बैठा था। मुझे इस वक्त पेशाब तो नहीं लगा था, मैंने सोचा कि जाते जाते अल्लाह के रसूल की सुन्नत जिंदा करता चलूं। मेरा आका अलैहिस्सलाम के शहजादो, जिस तरह किया, जितना किया, जहां किया, जैसा किया सहाबा ने वैसा किया है। आज बताओ तो सही कि हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है मेरे दोस्त बुजुर्गो। नमाज पढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उलमा देवबंद को कहा जाता है कि औलिया अल्लाह के दुश्मन है। अरे बात तो समझने की कोशिश करते भी नहीं, और अगर करते हैं तो सिर्फ इल्जाम लगाने के बलबूते कह देते हैं कि उलमा देवबंद औलिया अल्लाह के दुश्मन है। नाउज बिल्ला, हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के जितने वली हैं सबके सब बरहक है, उनसे करामात बरहक है, उनकी इज्जत करना ईमान का हिस्सा है, उनको नफरत करना, बुग़्ज़ करना, अदावत करना यकीनन जुर्म है, गुनाह है। खुदा की कसम न किसी औलिया अल्लाह से मुसलमानों को दुश्मन हो, दुश्मनी हो सकती है और न हुई थी और न क़यामत की सुबह तक होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के शहजादो, बात क्या है, जब भी हम शिर्क के खिलाफ कहते हैं, अब शिर्क से रोकने की बात करते हैं तो कहते हैं देखो वो औलिया अल्लाह की दुश्मनी कर रहे हैं। बात बिल्कुल सिंपल सी है और बिल्कुल हर इंसान समझ सकता है। एक आदमी मुझसे कहने लगा कि मैं 17 मरतबा अजमेर गया हूँ, 17 मरतबा। मैंने कहा 17 मरतबा गए हो लेकिन आज तक तुमने नमाज नहीं पढ़ी? तो कहा कि नमाज की क्या जरूरत है, इंशाल्लाह शफाअत मिल जाएगी। हम जाते क्यों हो अजमेर जाकर, वहाँ क्या करते हो, क्या लेते हो? कहा दुनिया की सारी चीजें मिल जाती है, वहाँ खजाना लूट रहा है, दामन भर भर कर ले आता हूँ। कहा कि पीर साहब, मैंने कहा कि पीर साहब के पास सब कुछ है, देने के लिए नमाज नहीं थी? दुनिया दे दी तुम्हें, दौलत दे दी, घर बार दे दिया, क्या पीर साहब नमाज तुम्हें नहीं दी है? क्या तुम्हें रोजे नहीं दिए हैं? क्या तुम्हें हज करने की तौफीक नहीं दी है? अरे 17 बार गए हो, कम से कम शर्म करनी चाहिए कि 17 बार उस अल्लाह के वली के पास गए हो जिन्होंने जिंदगी भर नमाज कजा नहीं की थी और तुम जिंदगी भर नमाज पढ़ते ही नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बात इस जगह पर है, लाइन की बात की जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के शहजादो, जिंदगी भर आप देखोगे ये लोग मस्जिद के अंदर सजदा नहीं करते, मजारात में जाकर सजदे पर सजदे कर लेते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं। अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करें, लेकिन सजदा करना चूंकि मना है इसलिए औरतों को भी हुक्म नहीं दिया गया। तो एक बात आपको समझनी चाहिए, कहां जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं और किस लाइन पर जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के शहजादे, हमने नबी का दामन नहीं पकड़ा और पकड़ा औलिया अल्लाह का, पकड़ो सही से पकड़ो, अल्लाह के वलियों का दामन पकड़ना कोई गुनाह नहीं है, सही से पकड़ो, सही तरह से उनको फॉलो करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, सच बोलो, गिबत से बचो, झूठ से बचो, माँ बाप की तासीम करो। माँ बाप को घर से बाहर कर रहे हैं और नजराना के तौर पर हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम की तालीम यह है कि माँ बाप के कदमों तले जन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसके माँ बाप राजी हो अल्लाह ताला उससे राजी है। यहाँ खर्च किया जाए, कहाँ हम चले जाते हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो बात हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।